सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेजिस्लेचर, एन ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट, एंड दिस टॉपिक इज फ्रॉम पॉलिटिक्स। जो प्राइमरी फंक्शन है लेजिस्लेचर का, वो है लॉ बनाना। ये चेंज करते हैं, रिमूव करते हैं ओल्ड एंड अननेसेसरी लॉज को, और नए लॉज को बनाते हैं विद द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। जो ये लॉ है, ये एक्सप्रेशन है will of the people, means according to the demand of the people law बनते हैं। अब जो ये law है, ये consistent होना चाहिए with the changing conditions of the society। जैसे जैसे society बदल रही है, वैसे वैसे law भी उसकी conditions के according बनना चाहिए, and in harmony with the environment। जैसा environment हो रहा है, उसके according भी law बनना चाहिए। ये नहीं है कि भी society बदल गई है और कानून वही सती प्रथा चल रही है अभी भी, तो दैट आई मीन टू से जस्ट एन एग्जांपल। ये नहीं है कि भी सोसाइटी बदल गई है और अनटचेबिलिटी अभी भी प्रिवेल हो रही है सोसाइटी के अंदर। ये नहीं है कि सोसाइटी बदल गई है और स्टिल वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उसके ऊपर। सो जो पार्लियामेंट है इंडिया का, ये जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है यूनियन की, ये वेस्ट करती है पार्लियामेंट के अंदर। और जो पार्लियामेंट है, ये कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट एंड टू हाउस, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। जो प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होता है, एंड लोकसभा। जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, ये एसेंशियल पार्ट है पार्लियामेंट का। ये समन करता है, आर्ग्यू करता है टू हाउसेस को, और ये डिसॉल्व भी कर सकता है लोकसभा को। इसकी असेंट के बगैर कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता है। जो प्रेसिडेंट है, ये इशू करता है ऑर्डिनेंस को, और जो कि दोनों हाउस है पार्लियामेंट के, जब भी वो सेशन में नहीं है तब उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया जाना चाहिए बाय द हाउस, बोथ हाउस, विद इन द सिक्स वीक्स ऑफ देयर असेंबली। अब जो राज्यसभा है, इसके अंदर जो टोटल मेंबर हैं हाउस के अंदर, वो एक्सीड नहीं करने चाहिए 250 से, जिसके अंदर 12 मेंबर्स जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, एंड 238 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, एंड अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब जो टेन्योर है राज्यसभा का, ये 6 ईयर का है, और हर दूसरे साल यहाँ पे 1/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस रिटायर होते हैं और फ्रेश इलेक्शन होते हैं वैकेंट सीट्स के लिए। ये जो हाउस है, इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते, और जो वाइस प्रेसिडेंट है, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। जो भी सिटीजन है इंडिया का, जिसने 30 साल का अगर वो हो गया है और उसके पास क्वालिफिकेशन है जो कि प्रिस्क्राइब कर रखी है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वो मेंबर बन सकता है राज्यसभा का। लोकसभा, देखिए, ये लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, इसमें 530 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द स्टेट्स। यहाँ पर सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। और जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो नॉमिनेट कर सकते हैं 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, जो कि एडिक्युलेटली रिप्रेजेंट नहीं किए गए हों लोकसभा के अंदर। और जो स्टेट्स हैं, ये डिवाइड किए गए हैं इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिंग ऑन द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ऑफ सीट्स उनको अलॉट कर रखी है। जो मेंबर्स हैं लोकसभा के लिए, इनको इलेक्ट किया जाता है बाई यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जिस भी शख्स ने, जो इंडिया का नागरिक है और उसने 18 साल की आयु प्राप्त कर ली है, तो वो वोट दे सकता है फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। और अगर किसी इंसान ने लोकसभा के अंदर इलेक्टेड होना है, तो उसकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए और उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि पार्लियामेंट द्वारा प्रिस्क्राइब कर रखी है। जो टेन्योर है लोकसभा का, वो 5 साल का है। जो प्रेसिडेंट है, ये इम्पावर है इसे डिसॉल्व करने के लिए 5 साल से पहले भी, अंडर द आर्टिकल 352 इन एमरजेंसी। और जो टेन्योर है लोकसभा का, एमरजेंसी के अंदर इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है फॉर 1 ईयर। ये जो हाउस है, ये अपने ही स्पीकर को खुद इलेक्ट करता है, कंडक्ट करता है जो भी बिजनेस है, और स्पीकर की एब्सेंस के अंदर जो डिप्टी स्पीकर है, वो परफॉर्म करेगा स्पीकर के फंक्शंस को, और ये प्रिसाइड करते हैं हर एक मीटिंग्स के अंदर, और ये मेंटेन करते हैं ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द हाउस। जो प्राइमरी फंक्शन है पार्लियामेंट का, वो है लॉ बनाना,
लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो भी बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं या पास किए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो दो तरीके के होते हैं। वो ऑर्डिनरी बिल है जो कि इंट्रोड्यूस किया जा सकता है दोनों हाउसेस के अंदर, राज्यसभा या लोकसभा के अंदर, और इसे फर्दर डिवाइड कर रखा है ऑर्डिनरी बिल को इनटू द पब्लिक बिल एंड द प्राइवेट बिल। जो पब्लिक बिल है ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द मिनिस्टर्स, और जो प्राइवेट बिल्स हैं ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द प्राइवेट मेंबर्स। अब जो मनी बिल है ये डील करता है विद द इम्पोजिशन अल्टरेशन ऑफ द टैक्सेस जो कि फाइनेंशियल मैटर्स के हैं, और ये इंट्रोड्यूस किए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर सबसे पहले, उसके बाद फिर राज्यसभा। अब जो ये बिल्स हैं इनको कुछ फॉलोइंग स्टेजेस हैं जहां से गुजरना पड़ता है। जैसे कि पहले इसका इंट्रोडक्शन होता है बिल का। अब जो ड्राफ्ट है बिल का विद टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, रीजंस, कि भी उसके ऑब्जेक्ट क्या है बिल को लाने के, रीजन क्या है, वो भेजे जाएंगे टू द सेक्रेटरी ऑफ द हाउस, और जो स्पीकर है लोकसभा का या फिर चेयरमैन एज द केस में भी, जैसे भी सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू दैट, इन ये कंसल्ट करेंगे एडवाइजरी कमिटी से और डिटरमाइन करेंगे, डे फिक्स कर देंगे, टाइम फिक्स कर देंगे कि कब इस बिल को मूव किया जाएगा हाउस के अंदर। फिर पहली रीडिंग ली जाएगी बाय टेकिंग एस एन, मंजूरी लेकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो कि हाउस का है। फिर बाद में जो मूवर्स हैं वो रीड करेंगे टाइटल को, जो बिल का टाइटल है उसे रीड करेंगे, शॉर्ट स्पीच देंगे, हाईलाइट करेंगे उस बिल के एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, और इस स्टेज पे कोई डिस्कशंस नहीं होती हैं, सिर्फ वो अपने ऑब्जेक्ट्स बताते हैं, उसे शॉर्ट स्पीच देते हैं, एम बताते हैं कि भी ये बिल क्यों लेके आए गए हैं। फिर सेकंड रीडिंग के अंदर क्या होता है, जो यहाँ पर जनरल डिस्कशंस होती है, जो कि तीन अल्टरनेटिव्स हैं इसके, ये डिस्कस किए जाते हैं डिटेल के अंदर क्लोज बाय क्लोज, और हर एक क्लोज के ऊपर वोट लिया जाता है, और जो ये हाउस है ये डिसाइड कर सकता है कि भी सर्कुलेट किया जाए इस बिल को फॉर द पब्लिक ओपिनियन, और इनवाइट किया जाए, पब्लिक का रिएक्शन देखा जाए कि भी इस बिल के ऊपर क्या रिएक्शन है, कितनी मंजूरी दे। थर्ड रीडिंग, देखिए ये जो स्टेज है यहाँ पर सिर्फ जनरल डिस्कशन होती है, किसी भी तरह की अमेंडमेंट नहीं, यहाँ पर सिर्फ वर्बल चेंजेस अप्रूव किए गए हैं, और जब ये बिल अप्रूव कर दिया जाता है बाय द वन हाउस देन इट इज सेंट टू द अनदर हाउस, और इस बिल को सेम स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ता है। जब ये अप्रूव हो जाता है फिर इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उसकी असेंट के लिए, उसकी मंजूरी के लिए। अगर दोनों हाउस डिफर कर रहे हैं इन द ओपिनियन ऑफ द बिल, तो प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सेशन को बुला सकता है, और अगर बिल पास हो गया है बाय द मेजोरिटी तो फिर इसे पास माना जाएगा बाय द टू हाउस। अब जो प्रेसिडेंट है इसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और वापस भी भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, और अगर बिल लेजिस्लेचर द्वारा दूसरी बार पास हो गया है तो प्रेसिडेंट बाउंड है अपनी असेंट देने के लिए ऑन दैट बिल टू बिकम एन एक्ट। और जो प्रोसीजर है फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर, अगर बिल कंसीडर कर रहा है टू द मनी बिल तो ये कंटेन करेगा कुछ प्रोविजंस जो कि रिगार्ड करेंगे इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, और जो रेगुलेशन है और बोरिंग ऑफ मनी और गिविंग एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो कस्टडी है किसी कंसोलिडेटेड फंड और द कंटीजेंसी फंड की। अगर किसी भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी है रिगार्ड टू द बिल लेकर, क्या वो बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, तो वो डिसाइड किया जाएगा बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अब जो बजट है वो फाइनेंशियल मैटर का है, अगर वो एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स को दिखा रहे हैं जो कि पार्लियामेंट के आगे रखा गया है। अब जो बजट है ये प्रिपेयर किया जाता है टू पार्ट्स के अंदर, रेलवे बजट एंड जनरल बजट। जो बजट है इसकी जो स्पीच है ये फॉलो की जाती है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि फॉलो की जाती है बाय द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट एज अ होल। अब जो एनुअल अप्रोप्रिएशन है बिल की, वो रिप्रेजेंट की जाती है बिफोर द लोकसभा इन द सेम मैनर एज जो ऑर्डिनरी बिल को किया जाता है, जैसे प्रेजेंट किया जाता है बिफोर द लोकसभा, राज्यसभा एंड दैट्स ऑल। अब ये सर्टिफाई किया जाता है बाय स्पीकर कि ये मनी बिल है, इसे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता बिफोर द राज्यसभा, पहले इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बिफोर द लोकसभा, फिर इसे राज्यसभा के पास भेजा जाएगा उसकी रिकमेंडेशन के लिए, और ये बिल को रिटर्न करना पड़ेगा उन्हें विद इन 14 डेज। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो बिल पास माना जाएगा बाय द लोकसभा। अब
अगर वो बिल पास कर दिया जाता है, मतलब रिटर्न कर दिया जाता है विद इन द 14 डेज टू द लोकसभा, फिर ये लोकसभा की अथॉरिटी है कि वो एक्सेप्ट करे उन रिकमेंडेशन को या फिर रिजेक्ट करे उन रिकमेंडेशन को। और बाद में ये बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा, जो कि के ऊपर अपनी मंजूरी देगा और वो इसे विदहोल्ड नहीं कर सकता, उसे रोक नहीं सकता बिल को जब वो पास होके आ गया विद बोथ हाउसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू फाइंड इट यूजफुल।